नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द सेक्युलर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में और रेड क्रॉस सोसाइटी की भूमिका कोरोना महामारी के बीच। दोस्तों, हम इससे पहले शुरू करें, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। मानवीय जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा के मिशन के साथ सन 1863 में स्थापित किए गए संगठन रेड क्रॉस सोसाइटी अपने स्वास्थ्य सेवा के लिए जाना जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इस संगठन को साल 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। इसकी स्थापना हेनरी डुनेंट ने की थी, जिनका जन्म 8 मई को ही हुआ था। इसीलिए हर साल 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। यह संस्था युद्ध और शांति के समय दुनिया भर के देशों की सरकारों के बीच समन्वय का काम करती है। रेड क्रॉस का मुख्य कार्य मानव सेवा है। रेड क्रॉस सोसाइटी के मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय होने वाली परेशानियों से राहत दिलाना है। युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद करना और उनका इलाज करना इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। जबकि ये संस्था वर्ल्ड बैंक से लेकर विभिन्न तरह की स्वास्थ्य और समाज सेवाओं में अपनी भूमिका निभाती रही है। मानव सेवा को मूल कार्य मानने वाली ये संस्था महामारी जैसी आपदा में भी पीड़ितों की सहायता करती है। सफेद पट्टी पर लाल रंग का क्रॉस का चिन्ह इस संस्था का निशान है। दुनिया के लगभग 210 देश इस संस्था से जुड़े हुए हैं। भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना साल 1920 में पार्लियामेंट एक्ट के अनुसार की गई। भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की 700 से अधिक शाखाएं हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के सिद्धांतों को मान्यता साल 1934 में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मिला, जिसके बाद इसे दुनिया भर में लागू कर दिया गया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी ने हर वर्ष इस दिवस को मनाए जाने की मांग की, जिसके बाद हर साल वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाने की शुरुआत की गई। 8 मई 1948 को पहली बार वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया था। साल 1948 में आधिकारिक रूप से इसका नाम वर्ल्ड रेड क्रॉस डे रखा गया। इस सोसाइटी का नारा है, अपने अंदर के स्वयं सेवक को पहचाने, मानवता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता और एकता जैसी सिद्धांतों पर कार्यरत इस संस्था की भूमिका कोरोना संकट के दौर में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। आशा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी। कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में उसे लिखें। हरिओम।